हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। इट सेज अ लाइट रेज इंसिडेंट ऑन अ कॉनकेव लेंस इन सच अ वे दैट इट अपेयर्स टू एमर्ज फ्रॉम द सेकेंड फोकस एज शोन। आपने कॉनकेव लेंस लिया, उस पर एक लाइट रे एमर्ज कर दी और इस तरीके से एमर्ज करी है कि वो सेकेंड फोकस, ऐसा लग रहा है कि सेकेंड फोकस से एमर्ज हो रही है वो लाइट रे। ठीक है ना, वो लाइट रे सेकेंड फोकस पे एक तरीके से आपने इंसिडेंट करा दी, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हो। देख पा रहे हो ना ये चीज़, हमने लाइट रे ऐसे सेकंड फोकस पे इंसिडेंट करा दी। तो आपसे बोला है कि आफ्टर रिफ्रैक्शन इसकी कौन सी पाथ सही होगी। तो गाइस देखो, आपको पता है जब हम कॉनकेव लेंस में लाइट रे फोकस पे इंसिडेंट कराएंगे तो ये क्या करता है, लाइट रे को पैरेलल कर देगा। तो देखो, फर्स्ट वाला सरफेस पे लाइट रे क्या होगी, टुवर्ड्स अ नॉर्मल ऐसे बेंड हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड वाले सरफेस पे और बेंड हो गई, तो लाइट रे ऐसे बेंड होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इमर्ज होगी। ठीक है ना, तो फोकस पर जब इंसिडेंट कराएंगे तो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इमर्ज हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन बी में दिख रही है चीज़ पैरेलल निकल रही है, ए में पैरेलल नहीं है, राइट, इसमें भी पैरेलल नहीं है, इसमें भी पैरेलल नहीं है। ठीक है ना, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो कॉन केव लेंस है वो एक डाइवर्जिंग लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है गाइस? ये डाइवर्जिंग। और फोकस पे आप इंसिडेंट कराओगे तो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी ही होगी। ओके, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। गुड लक।